बात होने जा रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। क्या है ये? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, डाइपोल दो पोल होंगे, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो जो सिस्टम फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। मतलब इन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, वो तो हिंदी होगी जाकर के, अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रख दिए गए और ये कहीं भी जाएंगे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा माइनस क्यू साथ होगा, ये दोनों एक साथ रहेंगे। जैसे डंबल होता है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, जहां जाएंगे ये प्लस माइनस एक साथ जाएंगे, तो ये सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम इसके बीच की दूरी 2L मान लें, 2L हम अपने कन्वीनियंस के लिए मानते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब बताइए नेट चार्ज कितना है इस पूरे सिस्टम का? नेट चार्ज कितना है? जीरो है। लेकिन चूंकि दोनों दूर दूर हैं इसलिए दोनों कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट दिखाएंगे जरूर। अगर एक साथ आ जाए, बिल्कुल मतलब कंबाइंड हो जाए तो जीरो है। तो हम कहीं भी डिस्टेंस लेंगे तो अगर यहां से डिस्टेंस लेते हैं तो ये मुंह फुलाएंगे, अगर यहां से डिस्टेंस लेते हैं तो ये मुंह फुलाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस एल हो जाएगी, ये वाली एल हो जाएगी, इसीलिए हम डिस्टेंस टू एल मानते हैं। अब चूंकि आप बच्चे हैं, नहीं मतलब अब आप कह रहे हैं हाँ हम तो बड़े हो गए, हाँ उतने बड़े हो गए लेकिन उस हिसाब से भी बच्चे हैं, इसलिए एल नहीं माना गया। अदरवाइज यहां एल बाई टू और एल बाई टू डिस्टेंस लेने में कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन जब आप और बड़े क्लास में जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल की क्लास में जाएंगे, तो वहां एल भी माना गया है, वहां एल माना गया है, एल बाई टू किया गया है, वो जान गए आप बड़े हो गए, ठीक है। तो ये डाइपोल हो गया। अब डाइपोल की ताकत क्या है जरा देखिए ध्यान से। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ऐसे रखें डाइपोल को, तो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा क्यू ई। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है? क्यू ई। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और इसमें अपोजिट लगेगा और ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो डाइपोल की ताकत है उसका मोमेंट, उसका रोटेट करने का अपना जो मोमेंट होता है कि किसी फील्ड में कितनी जल्दी से रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब मोमेंट होता क्या है? मोमेंट का मतलब होता है कि भाई आप जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या? आप कहेंगे एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक डाइपोल बन गया। अब वो यहां पर दो कूलाम हो सकता है, माइनस प्लस माइनस टू कूलाम हो सकता है, ये थ्री कूलाम हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो रोटेशन की, जो मोमेंट की ताकत होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। और उसका फॉर्मूला होता है एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपको ये लिखना नहीं है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसके रोटेशन की ताकत होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि मोमेंट का मतलब क्या होता है, उसके घूमने की ताकत। तो एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी जरा बताएं पावनी जी, आप बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? पावनी मेरी आवाज पहुंच रही है, इसकी यूनिट बताइए आप। अरे भाई क्यू की कूलाम, एल की मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम मीटर। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाया गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है प्लस समझिएगा, आपने केमिस्ट्री में डाइपोल पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में डाइपोल पढ़ा है ना? अब ये नहीं करना, नहीं पढ़ा, हाँ नहीं तो केमिस्ट्री वाले सर को हम मैसेज कर देंगे कि कह रहे थे डाइपोल नहीं पढ़ा। तो वहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो बताई जाती है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू बताई जाती है।
फिजिक्स में कन्वीनियंस के तौर पे डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू ली जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये, और इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो हम इस ए बी को हम बना लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी है 2L, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपका हो गया डाइपोल मोमेंट, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये हमारा कन्वीनियंस है, केमिस्ट्री में प्लस क्यू से माइनस क्यू लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नोट करिए इसको, डेफिनेशन लिख लेंगे ना, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस देन द सिस्टम इज फॉर्म्ड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। नोट करें, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, लिखिए डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज इसमें लेंगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक इसलिए हमने कहा कि ये मैग्नेट में भी आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, ये हमने कन्वीनियंस से माना है अपना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में प्लस से माइनस माना गया है। अच्छा, वेक्टर बनाया कैसे गया भाई, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई कहां से वेक्टर आपने लगा दिया, तो ये माना गया कि इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेता हूं। तो जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, इसलिए वेक्टर माना गया है। तो अक्सर जब आप डाइपोल कहीं देखा होगा तो इधर माइनस क्यू लिखा होता है, इधर प्लस क्यू लिखा होता है, ज्यादातर केसेस में आपने बुक में जितने भी डायग्राम देखे होंगे इधर माइनस क्यू लिखा होता है, इधर प्लस क्यू लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को दिखाना चाहते हैं पी, तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर कहीं उल्टा डायग्राम बना हो, इधर माइनस क्यू हो, इधर प्लस क्यू हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बस माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, नोट कर लिया, आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा खत्म हो जाएगा आज। इसके पहले का पढ़ के तो बैठे होंगे आप लोग, यस बोलने में क्या दिक्कत है, झूठा ना बनिएगा। अच्छा, एक कूलाम चार्ज मालूम कितना होता है, एक कूलाम चार्ज इतना ज्यादा होता है, जरा समझिएगा, एक कूलाम, वन कूलाम चार्ज, अगर हर सेकंड किसी कंडक्टर से, भाई देखिए चार्ज लाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी अगर इसको एक कूलाम चार्ज देना है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इससे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर किसी कंडक्टर से 10^9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड इसमें आए तो 180 साल बाद इसमें एक कूलाम चार्ज आएगा। 10^9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हर सेकंड इसमें ट्रांसफर हो तो 180 साल, तकरीबन 200 साल लगेंगे इसको वन कूलाम चार्ज लेने में। आप कहेंगे लगेंगे तो कोई मतलब नहीं, मैं ऐसे बता रहा था। अब देखिए, हमने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। तो क्या कहीं, अच्छा चार्ज तो है, चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो क्या ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए भाई। डाइपोल में हमने क्या बताया कि ये माइनस क्यू चार्ज है या प्लस क्यू चार्ज है, और इसका नेट चार्ज जीरो आप बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, भाई। देखिए, अगर दोनों चार्जेज एक पॉइंट पे होते तब तो ना करते, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है, तो किसी पॉइंट पे दोनों के इफेक्ट भी अलग अलग होंगे, तो जब दोनों के इफेक्ट अलग अलग होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो हो नहीं सकता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेंगे। तो अब कितना क्रिएट करेंगे इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये दो हेडिंग्स हैं और दो में से एक बोर्ड में जरूर आती है,
मतलब हम कहते हैं ये जो हेडिंग हम बताने जा रहे हैं एग्जामिनर्स लव सीट, एग्जामिनर के बड़ा पसंदीदा ये टॉपिक है। अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ के लिखिएगा, प्रूफ थोड़ा लेंदी है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ई बोले तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये एप्साइलन नॉट नहीं है ध्यान रखिएगा, वो ई हम बना रहे हैं केवल स्टाइल में। पहला है, अब दो केसेस यहां पर है, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल या ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसको कहते हैं एंड ऑन पोजिशन, एंड ऑन पोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल या एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इसको कहते हैं एंड ऑन पोजिशन। जरा समझने की कोशिश करिएगा, हेडिंग नोट करिएगा क्योंकि ऊपर हम रब करेंगे, जगह कम है इसलिए रब करेंगे। अच्छा बना रहने दो, नहीं रब, अच्छा रहने दो, देखो ध्यान से क्या लफड़ा क्या है। ये एक डाइपोल है, ए बी एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये रब कर रहे हैं ऊपर, नोट कर लिया ना, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी हमको। देखिए ये एक डाइपोल है, ए बी एक डाइपोल है, जो डायग्राम आप बना रहे हैं उस डायग्राम के बारे में हल्का सा लिखेंगे आप, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके बीच की दूरी 2L है, और ये इस माइनस से प्लस जो लाइन मिलती है ना, ये इसका एक्सिस होता है, तो इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये इसका एक्सिस है और इसके एक्सिस पर इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डायग्राम समझ में आया, तो लिखिए लेट ए बी इज अ डायपोल, लेट ए बी इज अ डायपोल एंड देयर इज अ पॉइंट पी, एंड देयर इज अ पॉइंट पी ऑन इट्स एक्सिस, देयर इज अ पॉइंट पी ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ओ, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ओ एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, बस इतनी लैंग्वेज लिखना है, बहुत ना ज्यादा थ्योरी लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर मैथमेटिक ढूंढता फिरे। अब जरा समझिए यहां पर कितने चार्जेस हैं, दो, दोनों ही वहां फील्ड क्रिएट करेंगे, किसी भी चार्ज के द्वारा, किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसका फार्मूला है 1/4πε0Q/r2, याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं प्लस क्यू की वजह से, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, इसको दे दिया हमने ईवन नाम, फॉर्मूला 1/4πε0Q/, और प्लस क्यू से इसकी दूरी है बीपी, बीपी, बीपी का स्क्वायर। अब अर्णव साहब सावधान हो गए, सावधान, मैं इस पॉइंट पे हूं, आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से प्लस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर, अब बताओ यहां पर डायरेक्शन क्या दिखाएं, प्लस ये है और माइनस ये है, नहीं प्लस से माइनस की ओर जाओ तो नहीं जा सकते ना। नहीं, अरे मैं जो प्लस से माइनस आप याद करते हैं वहां पर मैं फंसा रहा हूं, प्लस से माइनस आप नहीं जा सकते, तो याद क्या करोगे, प्लस से दूर
माइनस की ओर, मैं ये कहना चाहता हूं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इससे दूर E1, तो इसमें हम लिख दें टूवर्ड्स ए सॉरी बी पी, ऐसे लिख दे चलेगा। अब अगर मैं टूवर्ड्स बी पी लिख रहा हूं तो मतलब बी से पी की तरफ हो जाएगा, वेक्टर चढ़ा दिया हमने, बट डायग्राम में तो क्लियर ही है, लेकिन टूवर्ड्स बी पी लिखा मतलब बी से पी की तरफ। अच्छा जरा बी पी की लंबाई कितनी है बताएं भाई, ये टोटल ओ से आर है और ये एल एल है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू प्लस क्यू। अब माइनस क्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, इसको ई टू लिखेंगे, तो आएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी का स्क्वायर। एपी मतलब मैं नहीं, एपी डिस्टेंस है, ये आर प्लस एल हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस की ओर, ये माइनस की ओर हो गया, तो इसको हम पी ए लिख दें, टूवर्ड्स पी ए, टूवर्ड्स पी ए लिख करके और वेक्टर चढ़ा दें, तो मालूम हो जाएगा पी से ए की तरफ। तो जो इसकी वैल्यू आएगी E2 की वो आएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे नोट करें, रब करेंगे हम। अब चलते हैं वेक्टर में, पहुंच गए, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये हमने अपने कन्वीनियंस से माना है, केमिस्ट्री में माइनस प्लस माइनस करते हैं, हमने एस माइनस से लेकर के प्लस की ओर को हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माना है, केमिस्ट्री में प्लस से माइनस मानते हैं, उसमें कुछ हीट का फ्लो का सब कुछ लफड़ा होता है, अब वहां क्यों मानते हैं केमिस्ट्री वालों से पूछिए, नहीं हम कैसे बता दें, माइनस से प्लस होता है। अब जरा बताइए, चलते हैं इलेवेंथ क्लास में, वहां पर दो वेक्टर्स थे, उनका रिजल्टेंट निकाला था हमने, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है E1 और E2, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, भाई E1 E2 अपोजिट है। अब बताना यह है कि E1 बड़ा कि E2 बड़ा, E1 E2 में बड़ा कौन है, E1 बड़ा है, सभी लोग इससे सहमत हैं, दो कारण बताओ क्यों बड़ा है। हां पहला मैथमेटिकल का, मैथमेटिकल कारण है कि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और फिजिक्स का कारण यह है यह चार्ज इसके नजदीक है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा वहां। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू तो ई वन माइनस ई टू, अब इन वैल्यूज को रखते हैं और माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा प्रूफ हो गया। देखिए ध्यान से, तो E1 ऐसा करते हैं कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये विजिबिलिटी ठीक है ना, नहीं इससे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते, वो तीन तीन लाइटें जल रही हैं काफी जितनी जल सकती हैं, इसमें एलसीएम ले लेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ये इसको यहां ले जाएंगे होल स्क्वायर खोलेंगे, इसको यहां ले जाएंगे होल स्क्वायर खोलेंगे और माइनस को पीछे से इसके दौड़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल। अब ये कैसे हुआ ये ना पूछिएगा, बोले पूछना तो चाहते हैं अब कैसे पूछें, अरे भाई ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये माइनस पीछे से गया है तो साइन चेंज हो गए हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया,
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया आपका क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर एल आर अपान ये, सॉरी ये इंटू है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब चूंकि हमने क्या कहा डाइपोल के बारे में कि टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, 2L बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है और L उससे भी शॉर्ट डिस्टेंस है, और जब किसी बहुत छोटी वैल्यू को आप स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 0.1 छोटी वैल्यू है और उसका स्क्वायर कर दो 0.0001 हो जाएगा, तो यानी कि R की तुलना में L स्क्वायर बहुत स्मॉल है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एज L इज लेस एंड लेस देन R, सो नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, ये यहां नेग्लेक्ट किया गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से न्यूमेरिकल लगते हैं कभी कभी, ये ध्यान रखना ठीक है। तो ये जो आप नेग्लेक्ट करेंगे, ये नोट कर लिया है ना, ये नोट कर लिया है, तो E जब लिखेंगे आप E इज इक्वल टू, तो आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 एल आर अपान, जो आप L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो R की पावर 4 हो जाएगा और एक पावर से एक पावर कट जाएगी। तो ये हम देखेंगे, देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक R से R कट गया तो ये R क्यूब बचा, ऊपर देखिए जरा 2 इंटू 2 क्यू एल अलग कर दिया, और अभी हम 2 क्यू एल बता चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, तो आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपान आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जा करके, यहां लिख देंगे वेयर P जो है ना वो 2 क्यू एल है, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए जब E1 और E2 में E1 बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन में है और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इधर ही है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें आप, इन वेक्टर फॉर्म, तो इसी को लिख दीजिएगा, केवल E और P के ऊपर वेक्टर चढ़ा दीजिएगा, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों पैरेलल हैं, जो P की डायरेक्शन है वही E की डायरेक्शन है, और ये कांसेप्ट बहुत न्यूमेरिकल में यूज होता है, ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज होता है, P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम होती है। तो ये हो गया आपका पहला प्रूफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजिशन या ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इसको कहते हैं दैट एंड ऑन पोजिशन। तो कैसा लगा प्रूफ, ये भावनी समझ में आया, समझ में बात आई, हाँ समझ के करिएगा, रटिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, और बार बार हम कहते हैं डरिएगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स की तलवार हम लिए हैं, जरा फिजिक्स दिखाए कि हम तलवार निकाल दिखा देंगे, नोट कर लिया इसको, ध्यान रखिएगा जब एट एनी पॉइंट आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सिलेबस में आपकी नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तब इसी डाइपोल की सहायता से हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब लिखिए दूसरा है, दूसरा केस लिखिए, ऑन इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन, इसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन कहा जाता है। पहले इसका मतलब समझें फिर इसको समझें, देखो ध्यान से, ये
है एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इसका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है, और एक प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ये प्लेन, प्लेन की बात कर रहा हूं, ये प्लेन, ये प्लेन, अब ये प्लेन का ये वाला पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, इसे लाइन दिख रही है, इस पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डायग्राम तो समझ में आ गया, तो लिखिए लेट ए बी इज अ डायपोल, लेट ए बी इज अ डायपोल। अब जब हमने कहा इज अ डायपोल तो यहां चार्जेस क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो डायग्राम में क्लियर है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेट ए बी इज अ डायपोल एंड देयर इज अ पॉइंट पी, देयर इज अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। आते हैं, देखो ध्यान से, सावधान। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो प्लस की वजह से निकालोगे तो ये पॉइंट मिलाना पड़ेगा आपको। तो हमने पहले तो बी से पी को मिला दिया और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस मिला दिया, ये भी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो पहले तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, जिसको कि ई वन लिखेंगे, तो आएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीपी का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, इसी लाइन पर इससे दूर की ओर, तो हम इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो डायरेक्शन लिख सकते हैं टूवर्ड्स, हम बी टू पी नहीं करेंगे, बीपी कह के एरो लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, मालूम हो जाएगा बी से पी की तरफ है। अच्छा, वैल्यू रखिए वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब चूंकि ये है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू निकल आया, प्लस से दूर की ओर। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, ई टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए पी स्क्वायर। डायरेक्शन इसी लाइन पर माइनस की ओर, तो ये माइनस की ओर हो गया, ये ई टू लिखेंगे टूवर्ड्स पी टू ए, तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना नोट करिए, फिर बताएं इसमें ड्रामा क्या है। बता दीजिएगा तो नोट कर लीजिएगा। ओके, अब जरा देखिए इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, थोड़ा टेक्निकल है, फिर चलते हैं इलेवेंथ क्लास में। आप कहेंगे बाबा इलेवेंथ पहुंच जाते हो भाई साहब, ऐसा करो इलेवेंथ ही पढ़ाओ ना, जिन्हें पहुंचना पड़ता है। जरा देखिए ध्यान से इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें, इसके रिजल्टेंट निकालेंगे दो तरीके। देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल दिख रहा है PAB, इसमें दोनों एंगल्स, दोनों साइड्स इक्वल हैं। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ये थीटा, अभी आप ना बनाइएगा, मैं किसी और तरीके से बता रहा हूं, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, यहां ये वाला लिखिएगा नहीं आप, बस केवल आप समझिए, टू थीटा होगा। तो E1 E2 का रिजल्टेंट अगर निकालना है तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर दो वेक्टर्स P और Q थे और थीटा उनके बीच का एंगल था,
तो उनका रिजल्टेंट था आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो इसका रिजल्टेंट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस टू थीटा होगा। भाई अगर ये टू थीटा है तो इसका जो रिजल्ट बनाइएगा नहीं आप, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस टू थीटा होगा नहीं होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा टेक्निकल टफ पड़ जाएगा, इसलिए इस वाले फार्मूले से हम नहीं कर रहे हैं। अब आपने कहा इस वाले से नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब बताए काहे हो, बताए इसलिए है कि किसी बुक में किया हो तो कंफ्यूज ना करना। देखो वाजपेयी जी बताए नहीं थे, बड़े आए अपना मेथड बता रहे थे, देखो टफ मेथड छोड़ दिया इसलिए हमने बताया। अच्छा जरा समझिए, ई वन ई टू के बीच एंगल टू थीटा है, ई वन ई टू की वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट बिल्कुल इसके बीच से होकर पास होगा नहीं होगा। अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल इससे बीच से होकर पास होगा, यानी ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा नहीं होगा। अब जरा समझिए इसको कंपोनेंट फॉर्म में करिए, ये नोट कर लिया होगा, ये डायग्राम भी बनेगा आपका जो हम बनाने जा रहे हैं। वो जो E1 E2 cos वाला बताया है वो भी मेथड ठीक है। देखो ये E1 है, ये E2 है जो कि सेम है, वैल्यू इज इक्वल, ये इसका रिजल्टेंट है, ये थीटा है। देखो E1 का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट होता है E1 cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है E1 साइन थीटा। इसलिए हम कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात नहीं करते कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉज होगा, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉज होगा और उसके परपेंडिकुलर साइन होगा। E2 का ये जो थीटा है ना, ये कंपोनेंट E2 cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट E2 sin थीटा होगा। ये डायग्राम समझ में आई बात नहीं आई? तो अगर अब इस कंपोनेंट को देखो तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। E1 E2 केवल नाम दिया गया था उसका, अब एक सबका नाम एक सेम रख दोगे तो दिक्कत आएगी। तो चूंकि दो चार्जेस थे इसलिए इनके नेमिंग अलग की गई, वैल्यू सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कैसी कही? ठीक कही बात था, नोट करिए, यही बस यही पकड़ना है आपको। अब आप कहेंगे हम तो भाई साहब इससे लगाएंगे, कोई दिक्कत तब भी आ जाएगी, वैल्यू उससे लगाओ तब भी आ जाएगी, उसमें 1 प्लस cos 2 थीटा आएगा तो उसमें cos 2 थीटा से 1 को कैंसिल कर दोगे रिजल्ट आ जाएगा, ये नोट करिए। अच्छा चूंकि E1 E2 की वैल्यू सेम है तो वैल्यू रखने के बाद हम कॉमन ले रहे हैं 1/4πε0q/r² + l² और अंदर बचेगा cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा। तो जब यहां cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/4πε0q/r² + l² इंटू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी एल अपान अंडर रूट r² + l² ये राइटिंग समझ में आ रही है? नहीं मेरे इसलिए समझ में आ रही, भाई इधर सीधा दिखता है इसमें हमको उल्टा दिखता है, इसलिए हमको लगता है मैं उल्टा पुल्टा लिख रहा हूं। हाँ जहां समझना है पूछ लेना, इसलिए मैं बोलता भी रहता हूं। ये कंपोनेंट समझ में आया सबको, क्योंकि यही मेन जड़ है, यहीं से वैल्यू निकाली गई है। किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए हम कंपोनेंट समझा दें। किसी को इस हाँ ये इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो कॉज ये क्यों होता है एक साइन ये क्यों होता है वो हम समझा सकते हैं, नोट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको रब कर ले। देखो यहां लिख रहे हैं इज इक्वल टू, उसके बाद यहां पर आ रहा है 1/4πε0 × 2QL/। देखो ये है r² + l² / 1 और ये है रूट बोले तो हाफ, दोनों मल्टीप्लाई में है तो जब बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो हो जाएगा r² + l² / 3/2। फिर l की सामत आ गई,
प्रॉब्लम यह है कि जब बहुत बड़े के साथ छोटा होता है तो उसकी समझ आती आती है। जैसे हम लोग कहीं पार्टी में जाएं, अब क्योंकि हम लोग टीचर हैं भाई, तो आओ वाजपेयी जी कैसे हैं, पी सर कैसे हैं, लेकिन अगर कहीं DM SP या कहीं मंत्री के किसी पार्टी में इन्वाइट किया गया तो वहाँ पर भैया ही पूछेंगे आ गए हो, ठीक खाली हो जाओ, वहाँ कोई ज़्यादा पूछ आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो चूंकि L भाई साहब यहाँ देखो अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ R के साथ है इससे निगलेक्ट किए गए, तो वही बात करेंगे एज L इज लेस एंड लेस देन R, बोले बहुत ही छोटे, सो नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर। तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, सो E इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 2QL/r^3 आएगा भैया, स्क्वायर की पावर 3/2, पावर पावर मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगी वैल्यू। इसको देख रहे होंगे आप क्या लिखा है, ये P अपान R क्यूब, जहां P आप जानते हैं P क्या है, P = 2QL = इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा बहुत लोग सोच रहे होंगे लिख क्या रहे हैं, P इज द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, अरे भाई वो तो नाम दिया है उसको L मान लो, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल के आया। नोट करके बता दीजिएगा, हम वही वेट करते हैं, और जिसका छूट जाए नहीं कि एक ने डन कहा तो दूसरे का हो गया डन, हम नहीं बोलेंगे, बता दे कि थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा अब जरा इसकी डायरेक्शन देखते हैं, क्या AB लाइन E के पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये तो मालूम पैरेलल है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो इधर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोथ आर एंटी पैरेलल। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, या लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, तो ऐसा करिएगा ई और पी पे वेक्टर चढ़ा दो और यहां निगेटिव लगा दो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है बस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन अपोजिट एक दूसरे के, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये दोनों प्रूफ में से एक प्रूफ अक्सर बोर्ड में अपनी धमक रखता है, नोट कर लिया। अच्छा जरा एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों में वैल्यू देखिए, यहां पर पी आया है और एक्सियल में यहां 2P आ रहा था, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर मिड पॉइंट से उतनी ही दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है इसकी, नहीं कह सकते हैं। तो एक नोटिंग करके आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको पहले, ओके। एक नोटिंग करके लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए, और कभी कभी शॉर्ट में कहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एक नोटिंग करके लिखिए। E जो एक्सियल होता है वो 2 times होता है E इक्वेटोरियल होता है ना, तो वो अपनी जानकारी के लिए आप लिखेंगे। अगर आपसे प्रूफ के लिए कहा जाए कि प्रूफ करिए इसको, तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा क्वेश्चन है, अगर एक नंबर का है तो डायरेक्ट एक्सियल का फॉर्मूला लिखिए, डायरेक्ट एक्सियल का फॉर्मूला लिखिए। एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 2P/r³, और E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लिखिए 1/4πε0 P/r³, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मान लिया 3-4 नंबर का है तो P एक्सियल को भी प्रूफ करिए, इक्वेटोरियल को भी प्रूफ करिए, दोनों को डिवाइड करिए, इतना कभी नहीं आता है क्योंकि
एग्जामिनर लव्स इट, लेकिन एग्जामिनर लव्स टू द स्टूडेंट्स आल्सो। तो स्टूडेंट को जानते हैं कि बड़ा बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा देते नहीं है। नोट कर लीजिए इसको।